हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर के आई हूँ कच्चे आम की तीखी चटपटी सी चटनी। इस चटनी के सामने सभी प्रकार की चटनी फेल है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चटनी खाने में और इसे बनाना भी एकदम सिंपल है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर इसे बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं ली हूँ एक आम, पाव किलो आम है ये तोतापुरी। आप तोतापुरी आम के जगह पर कोई और भी आम ले सकते हैं। तो इसको मैं छील लेती हूँ। तो इसको एकदम अच्छे से छील लें। तो यहाँ पर मैं आम को छील ली हूँ। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसको कट कर लेना है। सभी आम को अभी मैं कट कर ली हूँ। तो अब ले लेना है मिक्सर जार और जार में आम को डाल देना है। अब इसमें डाल देना है हरा धनिया पत्ती थोड़ा सा और 6 से 7 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने तीखे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर चटनी है तो तीखी रहती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 6 से 7 यहाँ पर मैं ली हूँ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा और इसे बिना पानी डाले हुए पीस लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इस तरह से इसे दरदरा पीस लेना है। ये देखिए, बहुत बारीक भी नहीं करना है इसको। थोड़ा थोड़ा सा आम का इसमें टुकड़ा रहना चाहिए तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह से इसको पीस लेना है। अभी मैं इसमें नमक चख लेती हूँ, नमक कैसा है। तो नमक अभी मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक और डाल देती हूँ। चटनी चटपटा ही अच्छा लगता है, बस नमक डाल करके एकदम अच्छे से इसको मिला लेना है। चटनी बनकर के अभी तैयार हो चुकी है तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। इस चटनी को आप हफ्ते भर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी दिल करेगा तो आप इसे फ्रिज में से निकालिए और तुरंत खाइए। बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना तो एकदम ही सिंपल है। तो लीजिए, करी की चटनी बनकर के तैयार है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।